पटना में था तो उनसे कभी कभी मैं जाता था, हमारे हॉस्टल में कभी कभी उधर आते थे। तो बेसिकली उनसे एक बार मिले तो पूछे, वो बता रहे थे कि नेहरू जी देश की सेवा में 1910 में आए, महात्मा गांधी जी देश सेवा में 1915 में आए, कुछ भी मतलब कूदे। तो उनसे बोले कि आप लोग हमेशा ये क्यों बोलते हैं कि आप देश की सेवा के लिए इतना में कूदे, इतना में कूदे, आप ये क्यों नहीं बोलते कि देश सेवा के लिए हम गए। तो बड़ा अच्छा रिप्लाई किया, बोलते हैं कि हम देश सेवा में इसलिए कूदे बोला जाता है क्योंकि देश गड्ढा में है, कूद के सेवा करना पड़ता है। चलिए अब आते हैं मोदी जी पे। एक्चुअली जब हमारे प्रधानमंत्री जी जब पहली बार बने थे तो उसके एक दो साल बाद मैं जब टीवी देखता था तो टीवी में बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज आता था, न्यूज आता था ब्रेकिंग न्यूज, भारत के प्रधानमंत्री भारत आए। आप समझ सकते हैं इतना ज्यादा इंडिया से बाहर रहते थे। सही बात है भाई। इसके बाद उन्होंने अपने गुरु लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन पे क्या हुआ, जब एनडीए ने घोषणा किया कि भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी बनेंगे, तो ये यमराज का फोन आया लाल कृष्ण आडवाणी जी के पास और वो पूछे कि चलिएगा कि और कोई बहाना बचा, क्योंकि एक ही बहाना था राष्ट्रपति बनना, वो भी चला गया, इस बार तो टिकट भी नहीं दी। आजकल ना थोड़ा सा मतलब नॉर्मली देश में ऐसा माहौल चल गया है कि लोग मतलब सारे मुहावरे भी बदल गए हैं। पहले एक मुहावरा चलता था, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, आजकल ये बदल गया, आजकल हो गया है मजबूरी का नाम लाल कृष्ण आडवाणी। पहले एक और अच्छा मुहावरा चलता था, जहाँ चाह है वहाँ राह है, आजकल ऐसा चल गया है जहाँ शाह है वहाँ राह है, अमित शाह।